अस्सलाम वालेकुम मेहरबान, उम्मीद है आप सब खैर खैर से होंगे, कुछ बात शाजी बाजी जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे, पार्टी कर रहे होंगे। आज हम कर रहे हैं बारबेक्यू। एक अच्छा बारबेक्यू करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो बताएंगे वन एंड ओनली। आपका आपसे इंटरव्यू लेना था मैंने कि एक बारबेक्यू अच्छा करने के लिए क्या क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, सबसे पहले तो अगर गर्मी है तो आपके पास हौसला ज़्यादा होना चाहिए। हौसला डिग्री कौन सी है? डिग्री जो है वो सबसे पहले आपको बारबेक्यूलॉजी में होनी चाहिए। बारबेक्यूलॉजी में एमएस करना है नहीं बैचलर। अच्छा बैचलर। और पैकोलॉजी में जो पखे चलाने वाले जो है ना उस पैकोलॉजी में आपको एमएस होना चाहिए आपका। अच्छा हाँ। प्रोलॉजी में आप अगर इंटरव्यू है तो उसमें आपको प्रोलॉजी में चल जाएगा, क्योंकि बेसिकली मेन काम जो है वो आपका बकोलॉजी और पखियोलॉजी में है ज़्यादा मेहनत जो है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं? लम्स वगैरह होता है कहाँ से? नहीं, लम्स वगैरह नहीं कर रही, ये नया इंस्टीट्यूट खुला है अभी नवाब इंस्टीट्यूट के नाम से। गर्मी तो आज बिल्कुल भी नहीं है और गर्मी के साथ साथ हम अपने आज के मास्टर शेफ से कुछ टिप्स लेना चाहेंगे कि अच्छा बारबेक्यू आखिर करना कैसे है, हाउ नॉट टू डिस्ट्रॉय योर गोश्त ईद का या मुर्गी का जो भी आप करें। जी प्लीज़ थोड़ी रोशनी डालें। जी बिल्कुल, रोशनी तो पहले ही बहुत डल रही है और जैसा कि अभी मैं आपको बताता चलूँ कि पहले भी मैंने बताया आपको कि इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास हिम्मत बहुत होनी चाहिए। जिस तरह की गर्मी है ना और ऊपर से इसका भी सेका आ रहा है तो ज़रूरी है कि आप में हिम्मत होनी चाहिए। जी जी। और हिम्मत के अलावा हिम्मत फैन भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इसको पश्तो में क्या कहते हैं? बबोज हुए। ठीक है, मतलब बबो मतलब बड़ी बड़ी जो होती है ना सरकार में खातून, उनका बेटे को बबोज है कहते हैं। और ये बबोज ये वही है। तो जैसा कि आज मुझे स्पेशल बड़ी दूर से बुलाया गया है खासकर इस गर्मी सहने के लिए, तो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। आपने अगर बारबेक्यू अच्छा करना है तो उसके लिए आपके पास कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कुछ डिग्री हैं जो आपको लेना ज़रूरी है। जी जी। उसमें डिग्रियाँ छोड़ें, आप यूनिवर्सिटीज़ का बता दें कहाँ से लेंगे। और ये जो डिग्री है ना, ये मेरे असल में बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो बहुत माशाल्लाह उनको दूसरी ज़बान में केक्स भी कहते हैं। अच्छा। बर्गर्स टाइप्स यू नो, तो उनको नहीं आता ये काम करना, तो उनको कैसे करने वो चाहते हैं? तो उस वजह से मैंने आपको बताया है कि आपको कैमरे से आप वीडियो से भी वीडियो करके भी आप वीडियो देख के भी आप अपनी ठंडी कर रहे हैं ज़्यादा होगी। जैसा कि आपने सुन लिया है कि आपको बस एक डिग्री चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, कोयले चाहिए, सीखें चाहिए, सीखें यू नो वी कॉल इट एज व्हाट डू वी कॉल इट दिस वन वी कॉल इट अ सीख एंड वी नीड मीट चिकन एनीथिंग दैट यू वांट टू यू नो यू वांट टू बारबेक्यू। और आज के स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जो हैं वो हैं मिस्टर हारून खान और इनकी बर्थडे आज, तो इसी आज की मतलब गुजर गई है उसी चक्कर में हमने जो है ये सारा अरेंजमेंट किया है। और आधे तिक्के बना के अभी घर चले गए थे नहा के, तो कपड़े पहन के आए हैं, हमारी हालत वैसी की वैसी, और ये देखो तैयार शैर हो के आ गए। आज मेरा दिन है अल्लाह ना, तो आज मैं तैयार तो होकर आऊँगा खैर दे। अच्छा बस, तो अभी मुझे कुछ नहीं पता इसके अलावा इन्होंने और क्या क्या किया है। ठीक है, अभी कुछ देर बाद सब कुछ रिवील हो जाएगा, तो फिर देखते हैं। कुछ भी नहीं है। यही है, यही जो था यहीं तक था। इससे आगे का सफ़र जारी रहेगा इंशाल्लाह। बाय द वे, कल मेरा पीआरसी का क्विज है।
मुझे कुछ नहीं आता, मेरे दोस्त मुझे मैसेज कह रहे हैं कि तू पार्टी कैसे कर रहा है, लेकिन मुझे भी नहीं पता मैं कैसे कर रहा हूँ। मेरा क्विज है, मेरी 3 असाइनमेंट्स हैं, मेरा एक ओपन एंडेड लैब है, लेकिन देखें आप ज़िंदगी को इसी तरह लेके चले, मेरे पास नाइस डे करके लेके चलना है। और टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेंगे तो आपके सर में दर्द होगी, सर में दर्द होगी तो आप बीमार हो जाएंगे, बीमार होंगे तो आपका काम ही नहीं होगा, टेंशन होगा, सब कुछ समझ लेना आप, समझ लें। अच्छा तो ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी है इतना आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, दिखा अब हम खाएँगे और आप लोग भी इन्जॉय करें, बारबेक्यू पार्टीज करें, मज़े करें और मज़े करें, जीते रहें जी, तो मज़े करवाते रहें जी, तो पाकिस्तान अल्लाह।